Oh. Three things I would say to my younger self. Number one, stop cloning. ये जो आदत ना हमारी दूसरों को क्लोन करने की, जैसे मेरी थी एक टाइम पे शाहरुख खान साहब को क्लोन करने की, मुझे लगता है हमारी जनरेशन में पूरा फितूर शाहरुख खान साहब का था। तो हम वैसे उन्हीं की तरह एक्टिंग करना, उन्हीं की तरह हरकतें करना, उन्हीं की तरह डांस करना, उन्हीं की तरह जो न्यूएंसेस उनके हैं उस तरह फॉलो करना, ये ना एक्चुअली ऐसा लगता है बहुत अच्छा है, उस समय आपको एहसास नहीं होता, लेकिन आपकी सबसे बड़ी वीकनेस हो जाती है, क्योंकि आप इन सब प्रोसेस के अंदर खुद को खो देते हो। और एक समय था जब मैंने खुद को खो दिया था, बड़ी मुश्किल से आप खुद को पाते हो, वो तभी होता है जब आप क्लोनिंग बंद करते हो। तो मैं अपने यंगर हिमांशु अशोक मल्होत्रा को कहूँगा कि किसी भी हाल में क्लोनिंग मत करे यार, ओरिजिनल रहे, बी एब्सोल्युटली ट्रू ओरिजिनल। कहते ना कॉपी तो कॉपी होती है जितनी मर्जी अच्छी क्यों ना, और ओरिजिनल ओरिजिनल होता है। मैंने बहुत पहले ना 2005 में जब एक फिल्म करने वाला था तभी डिसाइड कर लिया था, फर्स्ट फिल्म शूट करने वाला था तभी डिसाइड कर लिया था कि आई विल बी हैप्पी एज माई वर्स्ट ओरिजिनल, बट आई विल नॉट बी हैप्पी एज बींग समबडीज बेस्ट क्लोन। सो नो क्लोनिंग। नंबर टू, जो एडवाइस मैं देना चाहूँगा खुद को कि जल्दबाजी मत मचा यार। इतनी जल्दबाजी किस बात की है, कहाँ पहुँचना है उस जल्दबाजी में इतना एंथुसियाज्म हो जाता है, ओवर एक्साइटमेंट से भरा हुआ था, इतना ओवर एक्साइटमेंट था कि मेरे आसपास के जितने भी लोग थे, मेरे टीचर्स थे, मेरे आसपास के दोस्त थे, कहते थे शांत हो जा शांत हो जा शांत हो जा, इतनी जल्दबाजी क्या है। और वो जल्दबाजी कभी कभी आज भी तंग करती है, इसलिए अपने आप को बहुत ठहराव मिलाना पड़ता है, अपने आप को बहुत साइलेंस मिलाना पड़ता है, बहुत स्टिलनेस मिलाना पड़ता है, वरना वो तंग करता है। सो ज़्यादा एक्साइटमेंट, ज़्यादा ओवर एंथुसियाज्म, वो एक्चुअली ऐसी एनर्जी होती है ना, सारी बिखर जाती है, क्योंकि एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा होती है। आपको कुछ नहीं करना, आपको सारी एनर्जी को समेटना है, उसके अंदर सुकून डालना है, और सुकून के साथ मिश्रण में आपको उस एनर्जी को चैनलाइज करना है सही दिशा में। इट बिकम्स वन पॉइंटेड लेजर शार्प फोकस, नहीं तो वो सारी एनर्जी बिखर जाती है, तो वो नहीं करना है। और तीसरा, अपने मैं छोटे हिमांशु को कहूँगा यार, बहुत ज़्यादा इमोशनल मत हो यार, इतना ज़्यादा क्यों इमोशनल हो जाता है हर चीज़ के अंदर और शायद ये बचपन से ही रहा है, तो कम इमोशनल हो, थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना लाइफ में, थोड़ा सा स्थिर होना, थोड़ा इक्वानिमस होना बड़ा ज़रूरी है। और ये मैंने समय के साथ सीखा है। आज से 20 साल पहले मैं इक्वानिमस भी नहीं था, संभाव में भी नहीं था, इमोशनल रिएक्शन इतने सारे थे, इमोशनल सिंथेसिस स्ट्रॉन्ग था, इम्पल्स स्ट्रॉन्ग थे, तो उसको थोड़ा कम कर और थोड़ा सा संभाव में आके, सेंटर में आके स्थिर होके जीवन को जी, वरना फिर धज्जियाँ उड़ जाएंगी, फिर वो सही नहीं होगा